a South Asian Canadian channel. वो मेरे गलती है हुई वो मेरे नाल जिन्ने भी बंदे कट सी मेरे नाल आना चाहिए था और उस गली च एंड दे विच गया था उते कुछ किसान भरा जड़े उगर रूप धारिया होया सी 200-300 बंदा 400 बंदा मैं गिनती नहीं होया काफ़ी बंदे सी उन्होंने मैनू घेर लिया मैं वापस मुड़ा अपनी जान बचाने लिए गया मेरे नाल मेरे गनमैन सी ते ओ मेरा पैर अड़ गया मैं गिर गया तो उन्होंने लाठियां ला के मेरे ते हमला किया पूरी रात बंद रहने के बावजूद प्रशासन वालों फिर भी यही जी ढिल रही कि तुहाडे ते पथराव भी हो गया प्रशासन की मौजूदगी दे विच कितना कितने प्रशासन की जिहड़ी हैगी आ ओह नलैकी सामने आ रही है कल दे दौर दे विच प्रशासन की डेफिनेटली मैं कहांगा नैगलीजेंसी है असीं इनफॉर्मेशन दे रहे हैं माहौल डे बाई डे खराब हो रहे हैं मेरे घरे पिछे किसान आए तो 25 मई का दिन सी उन्होंने विरोध दिवस मनाया देखो उरे तुसी आ रहे हो और एक सीएम दे सामने परिंदा नहीं फड़कदा सारे बैरीकेड खोलते हैं स्वागत दे नाल पुलिस ले आई किसान लगातार कह रहे हैं कि भाजपा ने जिहड़ा हैगा तीन खेती कानूनों नूं लैके लारेबाजी की है यही कारण है कि असीं उन्हां दा पूरे पंजाब देश विरोध करते आ रहे हैं किसान हिंसा नहीं करते साडे अन्नदाता ने मैं मानदा बट जिहड़े इन्हां दे भीड़ दे विच इन्हां दे चंडे दे नीचे अपने नाम नूं यूज करके जिहड़े अटैक करते हैं वो किसान नहीं है वो उन्हां नूं इन्हां नूं नकेल पानी चाहिए है बदनामी किसान भरावां दी हो रही है और असी उन अंसर दे उत्ते असी FIR भी कराई है और असी अपील भी की है ऐसे अंसर तो किसान भरावां नूं दूर रहना चाहिए और हिंसा करन दा उन्हां नूं अधिकार नहीं पर साडी पार्टी ने निर्देश दिते हैं अगर वो हिंसा करनगे ता हिंसा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी चूड़ियां नहीं पाईया दूजी पार्टी का भी विरोध होंगे चाहे अकाली दल है चाहे कांग्रेस है साड़ी पार्टी का विरोध करो बट हिंसा करके हमला ना करो जिहड़ा साढ़े ते अटैकिंग हमला करते हैं उसकी असी कड़ी निंदा करते हैं वाई मीडिया ग्रुप के सारे दर्शकों को इंद्रजीत सिंह बख्शी लोपिया परी सत श्री अकाल दोस्तों राजपुरा का कल जो मंजर तुम वेख्या जिथे किसान जथेबंदियों के वलों भाजपा वर्करा के उत्ते पथराव भी किया गया काफ़ी पूरी रात जिहड़ा सी उन्होंने एक तरह का बंधक भी उत्थे बनाया गया तो भूपेश अग्रवाल सन जो जिला प्रभारी भी ने ते प्रवक्ता ने पंजाब दे वो अज साडे नाल ने क्योंकि सर नाल ज़्यादा जेकर गल की जाए कोई भूपेश अग्रवाल का नाम सामने आया सी क्योंकि इन्हां नूं कहा जा रहा सी कि इन्हां नूं उत्थे बंधक भी बनाया गया इन्हां दे उत्ते जिहड़े इट्टां रोड़े भी जिहड़े आ उह चलाए गए सन इन्हां नाल ही गल करदे आ भूपेश जी पहलां तां वाई मीडिया 'च तुहाडा स्वागत है किवें हो पहलां तां हाँ जी किवें हो ठीक है बिल्कुल वाहिगुरु की कृपा है सवेरे 6 बजे घर वापसी हुई है कल दे गए हुए हैं साड़ी पंजाब की कल कार्यकारिणी सी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जिदा मैं इंचार्ज प्रभारी हैं एज यूजुअल असी प्रशासन नूं इंटीमेशन दे के गए सी साड़ी मीटिंग है भी साडू पुलिस अपनी सिक्योरिटी का एडुकेट अरेंजमेंट कर दिओ SSP साहब कहते नो प्रॉब्लम तो उस तो बाद असी उत्थे गए तो देखिया उत्थे काफ़ी लोग किसान भरा कुछ होर लोग जड़े शक्की लोग भी शामिल सी ते मैं DSP टिवाना नूं फोन किया मैं पहले ही जाके कि मैं कितों कड़े रस्ते तो आवां कहिंदे तुसीं मीटिंग ना करो मगर मीटिंग तो होएगी पिछले रस्ते दी सानूं उन्होंने एंटर कराता फिर कहिंदे मीटिंग तुसीं शॉर्ट कर लो मैं कहा जी कोई गल नहीं सी विचार कर लेने लेकिन मौके दे हालात नूं मद्देनज़र रखते हुए असीं इस मीटिंग नूं जिहड़ी 4 घंटे चलनी सी उन्हें शॉर्ट किया और अद्धे घंटे च मीटिंग की समाप्ति करती ताकि अमन शांति बनी रहे चलो कोई गल नहीं किसान विरोध करते रहे टिवाने नूं मैं गल की भी ये जड़ी मैं जड़ी पुलिस फोर्स है सिक्योरिटी है ये बड़ी घट सी जड़ी कि होनी चाहिए सी पूरी तो उदे विचो कहिंदे जी इन्ने बंदे सीगे तो उन्होंने मैं कहा जी गड्डी कित्थे खड़ी है इधर खड़ी है उन्होंने मैनूं तोरता वो मेरे गलती है हुई वो मेरे नाल जिन्ने भी बंदे कट सी मेरे नाल आना चाहिए सी और उस गली च एंड दे विच गया तां उत्थे कुछ किसान भरा जिहड़े उगर रूप धारिया होया सी 200-300 बंदा 400 बंदा मैं गिनती नहीं होया काफ़ी बंदे सी उन्होंने मैनूं घेर लिया मैं वापस मुड़ अपनी जान बचाने लिए गया मेरे नाल मेरे गनमैन सी ते ओ मेरा पैर अड़ गया मैं गिर गया तो उन्होंने लाठियां ला के मेरे ते हमला किया उस तो बाद 5-7 जब मेरी लाठियां पईयां पिठ दे उत्ते लगियां जिला प्रधान विकास ने आया उन्हें मेरी जान बचाने की कोशिश की और उदे भी खुद उन्होंने रोड़ा रोड़ा लोहे दियां मारियां
फिर मेरे गनमैन ने अपनी पिस्टल कढ़ी, मेरे को सरकार वालों एडिशनल डी सिक्योरिटी वालों मिलया होया भी चलो बे तुसी जे साडे अपने बीजेपी के लीडर इस तरह करोगे मैं मजबूरन हो के मैं गोली चलानी पै सकती है, हवाई फायर करना पै सकता है। तो वो उतों कुछ ग्रिप चो कट के मैंने किसी मकान च देता जिद अद्धा घंटा असं किचन के बंद रहे, मैंने लाइव वीडियो पाई, गुहार लगाई मेरी जान बचाई जाए, SSP पटियाला DIG पटियाला फोन किया पर चके नहीं। फिर असी वीडियो वायरल वरुण जी ने की, साढ़े पंजाब स्टेट के प्रेजिडेंट ना गल की, उन्होंने अरेजमेंट किया, कुछ उतों बंदे आए पुलिस के सू कट के उ लै गए। दैन उ सुभाष शर्मा जी ने एज ऑबजरवर जनरल सैकटरी भेजिया तो वह कहते प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी, असी लॉयंस क्लब प्रैस कॉन्फ्रेंस की। उस तो बाद जो इन्होंने मेरे उत्ते एलीगेशन लगाया भी इन्होंने कुछ अपशब्द बोले, उत्ते पहले तो महिलावान ही नहीं सी और मैं निखेधी करता मैंने कोई अपमानजनक अपशब्द नहीं बोले। और दूजी गल उस तो बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस तो बाद असी अर्जन उत्ते गुरु गोबिंद सिंह नगर के चले गए, उत्ते एक साडे कार्यकर्ता के घर साडा चाह का प्रोग्राम सीगा, उत्ते गए तो उत्ते फिर वो बंदे आ गए, मैं क्या मामला बद गया, मैं गलत गल है। दैन असी लीडरशिप में प्रदेश में कॉन्फिडेंस लिता, सुभाष शर्मा जी से तो बी गलत गल हो रही है, उन्होंने फिर चर्चा की, गलबात की, प्रशासन चलती रही जाती रही आना रहा, शाम को 2 घंटे इतने चलते रहा, शाम को 6 बजे उन्होंने बत्तियां कटती तारा कटती ने बत्तियां कटिया जो बाहर बैठे से किसान भरा से या कुछ अणपछाते लोग से या कोई बैड एलीमेंट से कोई कामरेड भी हो सकते हैं, कुछ सियासी पार्टी के बंदे भी हो सकते हैं, तारा कट के सानू एक हिंसा जी की है कभी बर्दाश्त नहीं हुई। असी प्रशासन को कहा, उन्होंने बहुत क्या जी करद कुछ नहीं होया। दैन फिर असी क्या भी ठीक है भी जो तुमने करना कर लो। फिर शाम को उत्थे DIG पटियाला कहते खुद आ रहे भी मैं तुम्हें लैन आ रहा, मैं थोड़ी सिक्योरिटी वास्ते। बत्ती कट्टी गई सी, लाइट्स उत्थे बंद हो गई, उस समय का मंजर अंदर घर का किस तरह का सी, लाइट कदों आई और क्या उस समय पुलिस प्रशासन उत्थे मौजूद सी या नहीं सी? लाइट जिस टाइम गई उस टाइम उसके पुलिस प्रशासन के सीनियर जड़े अपने अपने से लोग जिमें SSP DIG साहब DC और ADGP अपना कमांडो उत्ते सीगे, असी उन्होंने रिक्वेस्ट की इस परिवार जिते असी आए छोटे छोटे बच्चे हैं पानी बंद हो जाएगा कितों अपन रोटी बना के खिलाएंगे, उन्होंने सानू लारेबाजी लाई भी उन्होंने तो वह मने नहीं कितों कट्टी है नहीं सानू नहीं पता। वो इस गल चलते चलते मतलब कि टाइम निकल गया, रात नू देख लो पूरा रात तक लाइट कट्टी रही और असी एक असी जो असी वह सज़ा भुगती है, जे असी बाहर जाते तो माहौल खराब होंदा सी और सानू फिर उत्थे गल पहुँचती पहुँची प्रदेश तो उपर पहुँच गई, नैशनल लीडरशिप अमित शाह जी गल हुई फोन पर, JP नड्डा जी गल हुई साड़ी नैशनल लीडरशिप नाल स्पोक्सपर्सन नाल सारे नाल कही लालपुरा जी भी गल हुई, उन्होंने कहा भी जब तक थोड़ू सिक्योरिटी नहीं होंगी सी बार ना आना तो नहीं थोड़ा नारंग वर्गा हाल होएगा और माफ़ी मंगन का सवाल ही नहीं, जे तुम कोई गलती नहीं की हम दसो भी असी कुछ गलत कर ली गई कोई माफ़ी नहीं मंगनी। फिर भी असं उन्होंने चलो किसान यूनियन के बंदे आए थे लिबर्टी के नाल दोनों दिन आपस निंदा करो चलो खत्म करो, बट उन्होंने उग्र रूप धारिया होया सी, उन्होंने शरारती मंशा से वह गलू मने ही नहीं, एंड दे विच जाके वह गल बदी बदी गई, उन्हें नारेबाजी शुरू की, भूपेश अग्रवाल को बाहर भेजो माफ़ी मंगे जित फड़ ली, साड़ी पार्टी के उपर लीडरशिप ने नैशनल लीडरशिप ने फैसला किया कोई मतलब नहीं गलती नहीं की, तुसी अपनी गल रखो पक रखो, बट असी इस गल की निंदा करते हैं, हिंसा करना बहुत गलत है, दूजी पार्टी का भी विरोध होंगे चाहे अकाली दल है चाहे कांग्रेस है, साड़ी पार्टी का विरोध करो बट हिंसा करके हमला ना करो, जिहड़ा साडे ते अटैकिंग हमला करते हैं उसकी असी कड़ी निंदा करते हैं। और सवेरे 6 बजे फिर रात को 12:30 बजे कोर्ट से असी फाइल किया, साडे एडवोकेट उन्हें उस तो बाद कोर्ट के ऑर्डर आए, असी SSP नूं दिता भी सानूं बाहर कढ, ऑर्डरस आने तो बाद उन्होंने फिर कोशिश की भी हट जाणो हटे नहीं, फोर्स ने सानूं बाहर कढ़िया गया, जब असी बाहर निकले फिर उन्होंने अटैक करता, इट्टां मारियां, मेरी कार तोड़ती, शीशे तोड़ते, सरकारी गड्डी तोड़ती सारी, तो बड़ी मुश्किल से उत्थे प्रशासन ने अपनी गड्डी जाल बचा के फिर सानू 6 बजे पटियाले असी पहुंचे। जिस समय तुम बाहर भी कटिया उस दी वीडियो भी जी काफ़ी वायरल भी हो रही है, ताडे रोड़ा भी वजदा है उस वीडियो के सामने आता, तुम्हें लगता है कि पूरी रात बंद रहने के बावजूद प्रशासन वालों फिर भी यही जी ढिल रही कि ताडे ते पथराव भी हो गया प्रशासन की मौजूदगी दे विच कितना कितने प्रशासन की जी है वह नलैकी सामने आ रही है? देखो कल दे दौर दे विच प्रशासन की डेफिनेटली मैं कहंगा नैगलीजेंसी है, असं इनफॉर्मेशन दे रहे हैं, माहौल डे बाई डे खराब हो रहा है, मेरे घर पिछे किसान आए तो 25 मई से 6 मई का दिन सीगा, उन्होंने विरोध दिवस मनाया
देखो उरे तुसी आ रहे हो और एक सीएम दे सामने परिंदा नहीं फड़कदा, सारे बैरीकेड खोलते हैं, स्वागत दे नाल पुलिस ले आई आए। मैं इस गल की निंदा की, विरोध किया, कहने तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट प्रशासन नू इन्ना जबरदस्त सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हुई, उन्होंने अगे आ नहीं दिता गया। सो कल क्यों प्रशासन की नैगलीजेंसी रही, मैनू इस गल के उत्ते सवाल खड़ा होंदा, और असी इहदी निखेधी की, स्टेट प्रेजिडेंट ने निखेधी की, साढ़े नैशनल लीडरशिप ने निखेधी की, तरन चुग ने राष्ट्रीय महामंत्री ने निखेधी की। डेफिनेटली उन्हां दी गल नाल अपनी प्रशासन फेल होया, पंजाब सरकार टोटल फेलूअर है, और असी तो बल्कि डिमांड की पंजाब दे विच जिहड़ी ये सरकार है इत्थे राष्ट्रपति राज लाया जाए ताकि लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके। लगता है कि जिहड़े इह सब कुछ कर रहे हो किसान ही ने जां फिर कोई होर ने, क्योंकि किसान लगातार कह रहे हैं कि भाजपा ने जिहड़ा हैगा तीन खेती कानूनों लैके लारेबाजी की है, यही कारण है कि असीं उन्हां दा पूरे पंजाब देश विरोध करते आ रहे हैं। देखो किसान विरोध करते, किसान हिंसा नहीं करते, साढ़े अन्नदाता ने मैं मानता है, बट जिहड़े इन्हां दे भीड़ दे विच इन्हां दे झंडे दे नीचे अपने नाम नू यूज करके जिहड़े अटैक करते हैं वह किसान नहीं है, वह उन्होंने इन्हां नू नकेल पानी चाहिए है, बदनामी किसान भरावां दी हो रही है, और असी उन अंसर दे उत्ते असी FIR भी कराई है, और असी अपील भी की है, ऐसे अंसरों तो किसान भरावां नू दूर रहना चाहिए है, और हिंसा करन दा उन्हां नू अधिकार नहीं, पर साडी पार्टी ने निर्देश दिते हैं अगर वह हिंसा करनगे तो हिंसा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी चूड़िया नहीं पाइया, अपने सैल्फ डिफेंस वास्ते असी कुछ भी कर सकते हैं, अपने बचाव लिए असी अपनी प्रोटेक्शन आप करा। अमित शाह उन्होंने थोड़ी गलबात हुई है, अमित शाह उन्होंने तुम्हें की क्या है इस पूरे प्रकरण को लेकर? अमित शाह जी ने असी दसिया भी प्रशासन की नैगलीजेंसी है, असी उरे फसे हुए हैं, साड़ी जान माल नू खतरा है, उन्होंने डोंट वरी भारतीय जनता पार्टी नैशनल लीडरशिप थोड़े नाल है, आप हौसला रखिए, पार्टी आपके साथ है, अगर आपने कोई गलती नहीं की, अगर आपने गलत नहीं बोले तो माफ़ी किस चीज़ की है, कोई माफ़ी मांगने का प्रेशर ही नहीं होता, और हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। और उन्होंने बल्कि अपने DGP साहब नाल भी गल की भी इन्हों का पूरा तो सानू ध्यान रखना चाहिए, तो उसके बारे सानू भी यह किया भी असं थोड़े नाल है, और प्रशासन भी उन्होंने काफ़ी लताड़िया, और साड़ी वार्तालाप उन्होंने नाल चलती रही। मेरा एक सवाल हो रहा है, जो तुम अद्धे घंटे के लिए एक रसोई के बंद हुई एक वीडियो जी वायरल भी थोड़ी काफ़ी हुई हैगी है, उस समय का मंजर भूपेश अग्रवाल उस समय की सोच रहा है साढ़े दर्शकों जो मैंने दिमाग दे विच आया, वरुण कहिंदा प्रधान जी पता नहीं बचना है नहीं बचना, एक वीडियो तो वायरल कर दी है साड़ी आखिरी वीडियो, मैं क्या आखिरी सलाम लेते जाना, मैनू बिल्कुल उस समय यह उम्मीद नहीं सी कि मैं बच के इतों बाहर जावांगा, क्योंकि कोई सिक्योरिटी बाहर नहीं सी, कोई पुलिस अरेंजमेंट नहीं सी, सारे जड़े उग्र भीड़ ने घेरिया होया सी, हाथ च सोडे दी बोतलां तेजाब दी बोतलां वैपन सी, किसी टाइम भी अटैक करके अंदर आ सकते सीगे, उन्होंने दरवाजे तोड़न की भी कोशिश की, असी नाकामयाब रहे, अद्धे घंटे बाद पुलिस आई तां जाके बची, असी गुहार लगाई साडी जान माल नू बचाया जाए, वो वायरल वीडियो तुहानू पता है, मैनू लगता सी शायद मेरी वो कितें आखिरी वीडियो सी, मैनू उम्मीद नहीं सी मैं बच के बाहर चले जाऊँ। पर उस तो बाद भी भूपेश अग्रवाल काफ़ी समा राजपुरा मीटिंगा करते रहते हैं, क्यों ना करा जी, राजपुरा मीटिंग करा, मेरा मौलिक अधिकार है, जब तुसी थोनू कल आज किसान भरा घेर लैन भी तुसी भूपेश अग्रवाल की इंटरव्यू नहीं लैन जाएंगे तुसी की जवाब दोगे, तुसी कहो मेरा मौलिक अधिकार है, मैं एजेंसी के विच काम करदा, मैंने करनी है, थोड़ा अपना काम है, किसान भरावां दा अपना काम है, मेरा अपना काम है, पार्टी के वर्करां नूं मिलना, उन्हें घर जाना, कोई मैं कोई गलत काम नहीं किया, मैनू जे मेरी डेमोक्रेसी के उत्ते अपना मेरे कब्जा करने की कोशिश करे वो असी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीन खेती कानूनों को लेकर तुम की राय रखते हैं? बड़ी पुरानी गल होगी तीन खेती कानूनों बारे, लगातार 13 मीटिंगा हो चुकी हैं, अज भी 13 मीटिंगा हुई हैं, और लगातार अज भी साड़ी केंद्र सरकार ये उत्ते कहती है दोबारा तुम कोई नया प्रस्ताव लेके आओ, असं थोड़े नाल गलबात करने को तैयार हैं, इन्हों के हक च नहीं समझ आता तुम कोई गल नहीं, गलबात रखो जब कानूनों स्थगित ही करता, रद्द और स्थगित की फर्क होंगे, जिद होगी स्थगित करो, क्योंकि उन्होंने भड़काया हुआ है उकसाया हुआ है, वो अपनी जिद करके अड़े हुए हैं, जो दो पार्टियों की लड़ाई हो आपस टेबल पर बैठ के फैसला होंगे ना, फ्लैक्सीबिलिटी थोड़ी जी तुम करो थोड़ी जी असी करिए, नेड़े आज का काम, बट वो चेक करना ही नहीं चाहते, वायलेंस करनी है पर ठीक है जो मर्जी करो। देखो वो कुछ भी कर मैं लगता है ये फैसला हो जाएगा, साड़ी पूरी कोशिश होएगी समझाने की कोशिश करा हूँ, और अज उसके बावजूद भी जे उन्होंने मंशा है हिंसा करनी है
फैसला नहीं करना कोई गल नहीं, भारतीय जनता पार्टी 117 सीटा अनाउंस कर चुकी है, 117 सीटा लड़ेगी, डट के लड़ेगी, ठोक के लड़ेगी, और अपनी स्टेट लीडरशिप और श्रीमान अपने सेंटर की लीडरशिप के झंडे नीचे लड़ेगी, और सानू इस कोई संशय नहीं। बहुत धन्यवाद भुपेश अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए 117 सीटा तो असी इलेक्शन भी लड़ांगे, चाहे किसान जड़े ने इसी तरह प्रदर्शन करते रहन। पटियाला तो कैमरामैन हरजिंदर के नाल इंद्रजीत बख्शी, चैनल वाई दे लई। A South Asian Canadian channel.